ये पिंडी के बीज हैं, लेडी फिंगर। ये 200 मैंने रात भर भिगो के रखे थे, तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों ये देखिए, चाहे भिंडी इस तरीके से लगाएं जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, या फिर अगर नाली बना के लगाना चाहो तो ये देखिए ऐसे नाली बना लें। तो नाली बना के फिर इसके बीच जो है सीड्स, ये देखिए ऐसे करके। मैं दोस्तों थोड़े पास पास में ही डालती जा रही हूँ, क्योंकि इधर ठंड बहुत है, तो क्या पता कितने जर्मिनेट हो कितने ना। तो ज़्यादा डालूँगी तो थोड़ा ठीक रहेंगे। अगर सभी निकल गए तो यहाँ से उठा के मैं किसी दूसरे कंटेनर में लगा लूँगी, तो अगर कम निकले तो इसी में रहेंगे। ये देखिए मैंने गोल गोल नाली पूरे में नाली बना के तो फिर लगा दे रही हूँ। ये गोल टंकी है, तो टंकी के बीच मैंने गोल ही नाली बनाई हुई, ऐसे नाली बना के फिर इसको अच्छे से ऐसे मिट्टी में दबा देना। ये मैंने कंटेनर में पहले से ही मिट्टी वगैरह तैयार करके डाली है। ये इसमें मैंने कड़म लगाया हुआ था, तो कड़म लगा वो पूरा जब ख़त्म हो गया तब मैंने ये मिट्टी पूरी छोड़ दी थी ऐसे धूप में थोड़े दिन के लिए, चार्ज होने के लिए। तो इसके बीच फिर मैंने खाद मिला के जो जो डालना था खाद मिलाई, और नीम खली थोड़ी सी सरसों खली मिला के, तो ये मैंने तैयार करके रखा हुआ था जो अभी मैंने जो भिंडी लगाई है। अभी कुछ और सीड्स हैं वो भी मैंने अभी लगाऊंगी। ये देखिए ये मेरे पास कंटेनर खाली है एक छोटा सा, तो इसमें ये घीये के बीज हैं। ये देखिए ये चार जो है ये लौकी के हैं और चार जो है वो घीये के हैं। तो ये मैं ये भी इसी ग्रो कंटेनर में लगाऊंगी, तो जब ये निकल आएंगे तभी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे नहीं है पॉट, तो मैं इसी में लगाऊंगी। ये लंबा वाला है तो इसी में सभी लग जाएंगे, जब ग्रो हो जाएंगे तो इसी में से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगी जहाँ मुझे लगाने होंगे। आज कई किस्म के मैं लगाऊंगी। ये देखिए ये मैंने लगा लिए लौकी के और घीये के, भिंडी के भी लग के, अभी लगाऊंगी करेला के और तोरी के, करेले के, कद्दू के। ये देखिए ये भी घीये की वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, ये भी मैं इसी में लगा दूंगी, आधा बच गया ये। और दो जो हैं वो बड़े कद्दू के हैं, जो पीला वाला कद्दू काशी फल जो है, दो इसके हैं, ये भी मैं इसी में लगा दूंगी। और अभी ये किनारे किनारे करेले के लगा दूंगी। चलिए अभी जो है ये देखिए करेले के हैं, ये भी इसी के बीच ही किनारे किनारे लगा दूंगी ना सारे। ये भी लग गए, करेले के भी मैंने 6-7 बीज लगा दिए। ये सभी अभी देखते हैं अभी कब तक जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि ठंडा टाइम लगेगा। और ये देखिए ये है बीन्स के, तो ये भी ये सारे के सारे मैंने रात के भिगा के रखे हुए थे। ये देखिए ये गमला है, एक गमला खाली, ये उसी में लगा दे रही हूँ मैं सभी, इकट्ठे इकट्ठे ही लगा दे रही हूँ। जब
निकल आएंगे तब मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगी। ऐसे अलग अलग जगह नहीं मैंने लगाए इस बार, पिछली बार मैंने डिस्पोजेबल ग्लासेस जो थी उसी में लगाए थे, अभी मैं इसमें लगा देंगे। ये देखिए लग गए इसमें भी, अभी ये बच गए हैं सिर्फ लौकी के, सॉरी तोरी के। ये भी दो किस्म की है तोरी, ये भी एक गमला खाली है उसी में लगाऊंगी मैं। इसकी मिट्टी थोड़ी गीली लग रही फिर भी मैं लगा दे रही हूँ। ये देखिए ये भी पांच छः बीज हैं जो मैं लगा दे रही हूँ। मिट्टी गीली लग रही है बहुत, चलिए कोई नहीं, देखते हैं कितने जर्मिनेट होते हैं कितने नहीं। दो बच गए हैं, दो तीन बच गए हैं, अभी और देखते हैं। ये है छोटे छोटे पॉट पड़े हुए हैं, इसमें लगा दे रही हूँ जो बच गए। ये देखिए ये भी अलग वैरायटी है उसकी घीये की, और ये टिंडे के बीज है, तीन चार टिंडे के बीज है, ये इसी में लगा दे रही छोटे वाले पॉट में। ये दो पॉट है मेरे पास तो ये दोनों में। ये देखिए भिंडी, भिंडी का बीज इसके निकल आए हैं थोड़े तो, चलिए लग गए। आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में।